हम लोग 24 स्टाफ का पेट पर लात लग रहा है, 24 को स्टाफ के रोजी रोटी पर लात लग रहा है। क्या मामला, क्या है मामला? यह है कि जो पावर प्लांट ने गाड़ी इनको दान किया था डीएचएस में, डीएचएस उठा करके 102 में कन्वर्ट किया था। 102 एम्बुलेंस कन्वर्ट जब हो गई थी तो उसमें 24 स्टाफ काम कर रहे थे। आज ये हो गया है कि फिर दोबारा अश्विनी बाबा का फरमान आ गया रातों रात कि वो गाड़ी दूसरे टेंडर में दिया जाए। उसके बाद में हमारा 24 स्टाफ बैठे हुए हैं, उस 24 हमें कुछ नहीं करना है, हमारा 24 स्टाफ को उस गाड़ी के साथ समायोजन कर ले, बाकी हमें किसी से कोई विरोध नहीं है। हमारे 24 स्टाफ को रोजी रोटी दे, रोजी रोटी छीनने का अगर काम करेंगे तो हम ईंट से ईंट बजाएंगे हर गली मोहल्ला चौराहा में, वोट वोट तक हम लोग विरोध करेंगे। लगातार जिस तरह से बक्सर जिला में एम्बुलेंस की समस्या थी, एसजेवीएन जैसे थर्मल पावर प्लांट ने एम्बुलेंस सप्लाई किया, इसके बाद जिला स्वास्थ्य समिति संचालन कर रहा है, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए वो संचालन कर रहा है, बहुत बढ़िया से संचालन कर रहा है, उसमें हम लोग हैं, उसके साथ में हैं हम लोग साथ में। दोबारा जब कंपनी बाबा का फरमान आया तो दोबारा कंपनी में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, 24 को स्टाफ को हटाया जा रहा है। जब उस प्राता से हम लोग बात किए जो लिया है टेंडर, उससे जब हमने बात किया तो वो बोला कि हम 5-6 आदमी को रखेंगे। जब वो 6 आदमी को रखेगा तो मेरा 24 स्टाफ कहाँ जाएंगे, उसका बाल बच्चा कहाँ जाएगा, रोड पर आ जाएगा? अरे नौकरी नहीं दे सकते हो तो छीनने का अधिकार भी मत रखो। एम्बुलेंस ये जिले में ही चलेगी या कहीं जाएगी? नहीं, जिले में ही चलना चाहिए, हमारा जिला में चले। हम लोग तो पहले उनको हैंड ओवर देंगे नहीं, देने से पहले जो होना है उसके साथ हम लोग कर लेंगे। आर या तो पार अगर आपके अश्विनी बाबा रहेंगे या आपकी जाएंगे मोहल्ला में।